Hello, friends. Diwali is very near, and we all have immersed ourselves in preparing for Diwali. To celebrate this festival, I have come with festival related vocabulary words that will enrich your knowledge. A very warm welcome to my channel. Let's learn spreading wings. This is Neha Shah, and we start with the first word Illuminate. Illuminate means to light up people, illuminate their houses in Diwali. लोग अपने घरों को इल्यूमिनेट करते हैं दिवाली में अर्थन लैंप्स चलाते हैं लाइट्स लगवाते हैं फायर फायरवर्क्स फायर वर्कस मीन्स पटाखे कम्बस्टिबल डिवाइजिज दैट गिव ऑफ ब्राइट कलर्स वेन बस्ट पीपल वर अम्यूज टू तो सी द डेज़लिंग फायर इन द नाइट स्काई अम्यूज तो मतलब एस्टोनिश्ड तो वंडर <laughs> फीस्ट मीन्स सेलिब्रेशन मील और ट्रीट सेलिब्रेशन मील मतलब पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पे जो मील बनाया जाता है या तो कोई ओकेशन पे जो मील बनाया जाता है उसे फीस्ट कहते हैं अ लेविश फीस्ट वॉज अरेंजड एन द ओनर ऑफ द गेस्ट गेस्ट को मान देने के लिए गेस्ट के सम्मान में लेविश फीस्ट बनाया गया मार्की मार्की मतलब अ बिग टेंट यूज्ड फॉर पार्टीज फंक्शंस फेयर्स और एनी अदर आउटडोर सेलिब्रेशंस जब हमें आउटडोर सेलिब्रेशन करना होता है ना आउट ऑफ द होम और आउट ऑफ द होटल व्हाट डू वी डू एक बड़ा सा टेंट लगा के उसके अंदर पार्टीज और वो सब करते तो वो जो होता है ना उसे मार्की कहते हैं अभी अबिग मार्किग वॉ सेटअप ओपन ग्राउंड टू सेलिब्रेट दिवाली फंक्शन फेस्टिव फेस्टिव मतलब रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल एक्चुअली ये वर्ड आपने आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखा होगा जब भी कोई बंदा फेस्टिवल के रिलेटेड अपनी फोटोज रखता है ना सोशल मीडिया पे Uh, तो वो एक कैप्शन uh, लिखता है फीलिंग फेस्टिव मतलब फेस्टिव मतलब क्या कि जो फेस्टिवल से रिलेटेड है द फेस्टिव लुक ऑफ द सिटी फॉर अ साइट टू बी होल्ड सिटी का फेस्टिव लुक देखने लायक था पिन साल मतलब लॉन्ग ग्लिटरिंग स्ट्रिप्स ग्लिटरिंग मतलब चमकती हुई लॉन्ग ग्लिटरिंग स्टिप्स स्ट्रिप्स ऑफ मेटल और पेपर यूज फॉर डेकोरेटिंग अ प्लेस फॉर पार्टी पार्टी के लिए कोई जगह को आपको डेकोरेट करना है तो उसके लिए जो आप uh, रिबन्स जैसा इस्तेमाल करते हो ना उन्हें सेल कहते हैं क्रिसमस ट्रीज़ आर डेकोरेटेड विथ शाइनी टिनसेल्स देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिडैक बिडैक मतलब डेकोरेट करना एबिलीश करना तो बालकनी वॉज डेकोरेटेड विथ दिया दियास को आप अर्थन लैम्प भी कह सकते हो ऑब्वियस है दिवाली का फेस्टिवल नियर है ग्यारह से लेकर लाभ पाँचम तक जनरली हम हमारे घरों के आगे दियास चलाते हैं हमारी बालकनी इसको बिडैक करते हैं हमारी विंडोज़ को सजाते हैं ओके okay? तो बिडैक्ट मतलब डेकोरेट करना नेक्स्ट देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑस्पीशियस प्रोमिसिंग गुड लक और फेवरेबल जो गुड लक लाता है ऑस्पीशियस मतलब जो गुड लक लाता है रेड कलर इज़ कंसिडर टू बी ऑस्पीशियस इन इंडिया इंडिया में रेड कलर गुड लक की साइन मानी जाती है सो पीपल जनरली प्रीफर टू वेयर रेड कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ही तो फेस्टिवल्स में लोग रेड कलर पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं जब भी आप दिवाली की शॉपिंग के लिए जाते हो ना तो सबसे पहले रेड कलर का कोई कपड़ा ना लो तब तक आपकी शॉपिंग इनकम्प्लीट रहती है है ना ओके वी सी द नेक्स्ट वर्ड अर्थन या क्ले लैम्प्स पीपल लाइट अर्थन लैम्प्स ड्यूरिंग दिवाली दिवाली के दौरान लोग अर्थन लैम्प्स जलाते हैं मतलब दिया जलाते हैं मिट्टी के जो होते हैं ना वो यस yes, रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिचुअल्स क्या है अ सेट ऑफ कस्टमरी एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सेरेमनीज ऑफ एनी टाइम कोई भी टाइप की सेरेमनी है ना उसमें जो एक्शंस हम स्टेप बाई स्टेप करते हैं वो एक्शंस का जो पूरा सेट है ना उसे रिचुअल्स कहते हैं मान लो कि मैरिज फंक्शन है तो उसे स्टेप बाई स्टेप अलग अलग कस्टम्स से किया जाता है तो वो जो पूरे कस्टम्स का सेट होता है उसे रिचुअल कहते हैं हम एक एग्जाम्पल देते हैं हम फेस्टिवल रिलेटेड ऑर्कुलरली पढ़ रहे हैं तो फेस्टिवल का ही एग्जाम्पल लेंगे खास करके दिवाली का ही माई मोम परफॉर्म्स द सेम रिचुअल्स टू प्रे द गॉडेस लक्ष्मी ऑन धनतेरस एवरी ईयर मेरी मम्मा गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करने के लिए धनतेरस पे हमेशा सेम रिचुअल्स परफॉर्म करती है मतलब आरती करते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं एंड ऑल ओके okay? उनकी जैसे पूजा करते हैं हर साल करती है वो जो पूरा uh, सारी एक्शंस का जो सेट है उसे क्या कहेंगे रिचुअल्स है ना I hope you all have a great Diwali and a very prosperous new year. Thank you so much to all of you for watching this video. Please, please, please do subscribe to the channel. Please do comment, share it maximum with your friends. Thank you.